हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, रोटेशनल मोशन, उसी को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। तो इसमें हम अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुके थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है हाल फिलहाल। और ये प्रॉब्लम जो है 1998 में 8 मार्क्स का पूछा है, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो आइए हम इसमें देखते हैं। तो SHM के बाद हम रोटेशन के बाद हम प्रोबेबली SHM कवर करेंगे, उसके बाद फिर रहेगा एक बेसिक चैप्टर ग्रेविटेशन, यानी कि पूरा मैकेनिक्स पार्ट को अब हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम 11th के सारे, मतलब 12th के सारे टॉपिक, जैसे आपका जो भी है इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी 12th का सारा पार्ट, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये सब कवर कर लिए हैं। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये सब हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि आपका 12th पार्ट, 12th का एग्जाम भी शुरू होने वाला है। और रही बात बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम, मतलब अगर आप सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम पहले बता चुके हैं बेसिक जो आपका है, ईडी करंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, शंट रेजिस्टेंस, ये सारा चीज, ओम्स लॉ का प्रूफ, गॉस लॉ का प्रूफ, ये सारा चीज हम पहले कवर अप कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के केस में क्या होगा, ये सारा चीज हम पहले कवर अप कर चुके हैं मैग्नेटिज्म में। तो आपको अगर आप सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड भी अब आने वाला है, फैब में बोर्ड है, फैब और मार्च में, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका भी वीडियो आपको मतलब इसी चैनल पर मिल जाएगा, सर्च कीजिए आपका आ जाएगा। तो आप उसको भी कवर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड भी अब आने ही वाला है। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि हमारा ये जो सीरीज है फैब से मार्च तक, यानी कि जनवरी टू फैब में ये आपका सीरीज खत्म हो जाएगा। इसमें हम सारे मैकेनिक्स वाला जितने भी प्रॉब्लम रहेगा, चाहे वो रोटेशन हो, ग्रेविटेशन हो, SHM हो, कॉलिजन हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, जो भी चैप्टर हो, सारे को कवर करते हुए, यानी कि PY प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को हम कवर अप कर चुके हैं। और ये अब 21 तो चला गया, अब ये 22 से 23 रहेगा ये। तो ये अब देखते हैं रोटेशनल मोशन। अब रोटेशन का कंसेप्ट में हम बहुत सारा चीज देख चुके थे, जैसा कि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे तो हम पर्सनली एक लेक्चर लिए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सबसे अगर कोई ट्विस्टेड चैप्टर है तो यही 2-3 चैप्टर है आपका, रोटेशन, कॉलिजन, फ्रिक्शन, SHM, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, तो उसको भी कवर करेंगे। यानी कि ये जो सीरीज है आपका जनवरी टू फरवरी, यानी कि होपफुली इसी मंथ में हम खत्म करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी खत्म हो जाए, और लास्ट के 10 डेज में हम बोर्ड पे फोकस करेंगे, जैसे कि बोर्ड नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, तो 10 डेज हम उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो यानी कि ये अब आपका पूरे मैकेनिक्स पार्ट को हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर को। और उसके बाद अगर आप कोई भी बुक अगर प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो DC पांडे हो या पाथ फाइंडर हो, तो उसको भी हम करेंगे, लेकिन ये सीरीज खत्म होने के बाद। जो भी बुक बहुत सारा कमेंट में कह रहे हैं पाथ फाइंडर, पहले हम DC पांडे को कवर करेंगे, HC वर्मा, ये आपका DC पांडे, HC वर्मा, तो इतने सारे बुक को हम इसी, यानी कि जनवरी से फरवरी तक तो ये चलने वाला है। उसके बाद HC वर्मा, जो कि हम पहले करवा भी चुके हैं, HC वर्मा आपको पहले पूरा
चाहे वो रोटेशन का हो, चाहे SHM का हो, या ग्रेविटेशन का हो, या कॉलिजन का, सारे को हम कवर करेंगे, फिर DC पाएंगे, उसके बाद पार्ट वन। इतना बनाने के बाद आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेंस हो या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारा इसमें कवर अप हो जाएगा। चाहे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपका सारा कवर अप हो जाएगा अगर इन तीनों बुक को आप लगा के चले जाते हैं। तो होपफुली आइए अब शुरुआत करते हैं इस बेसिक से क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का है, और प्रीवियस ईयर के जनवरी टू फेब में ये सारा सीरीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे आपके बुक पे, चाहे आप सीट लगा रहे हो, चाहे आप, क्योंकि जितना डिफरेंट वेराइटी का प्रॉब्लम आप करते हैं उतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और इम्पोर्टेंट सिर्फ कंसेप्ट है। चाहे आप किसी भी बुक को प्रेफर कर रहे हैं, चाहे SC वर्मा भी कमाल का बुक है, DC पांडे भी है, और भी बहुत सारे मार्केट में है, तो आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास इनफाइनाइट क्वेश्चन होगा, लेकिन कंसेप्ट जो है लिमिटेड कंसेप्ट है। सो फोकस ऑन कंसेप्ट, लिमिटेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रॉब्लम तो इन्फिनिटी आपको मिलेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, बहुत सारे मार्केट में बुक हैं, सीट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का अपना अपना सीट है, तो इसमें आपको क्वेश्चन इन्फिनिटी मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट पे आप फोकस कीजिए। और हाँ, लास्ट में जितना क्वेश्चन आप कीजिएगा उतना आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो आइए इसके इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे रोटेशनल मोशन को। ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस, तो इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, एक डिस्क है जिसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है कैपिटल R, और इसका मास आपको दे दिया हुआ है स्मॉल m। ए पार्टिकल, अब ध्यान से देखिए, डिस्क का भी मास स्मॉल m है, ये जो आपका डिस्क है इसका मास आपको क्या दे दिया हुआ है स्मॉल m, और रेडियस क्या दे दिया हुआ है कैपिटल R। तो ये आपको क्या दे दिया हुआ है, ये आपको मास दिया हुआ है, और ये आपको क्या दे दिया हुआ है, रेडियस। तो ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस दैट इज अ कैपिटल R एंड द मास दैट इज स्मॉल m एंड द पार्टिकल इज आल्सो मास m इज फिक्स पॉइंट A। अब ध्यान से देखिए, ए एक आपका फिक्स पॉइंट है, और ये होपफुली दिस इज योर पॉइंट ए। ऑन द एज ऑफ डिस्क, डिस्क कैन रोटेट फ्रीली, डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल कोर्ड दैट इज PQ। तो ये PQ के अबाउट क्या होगा, ये रोटेट कर रहा है। डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल कोर्ड दैट इज PQ is a distance r/4 from the center। ये distance आपको दे दिया हुआ है, ये distance आपको दिया हुआ है r/4। So it is distance r/4 from the center C of the disc। The line AC is perpendicular। Line AC, तो ये आपका है A और ये है C। So AC is perpendicular, यानी ये आपका क्या है, 90 डिग्री। सो AC इज परपेंडिकुलर टू PQ, AC इज परपेंडिकुलर टू PQ, और आपको कह रहा है इनिशियली डिस्क इज हेल्ड वर्टिकल विथ A। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको PQ दिया हुआ है, AC एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इनिशियली डिस्क इज हेल्ड वर्टिकल विथ A एंड इट्स हाइट at its highest position, it is allowed to fall so that it's start rotating about PQ। अब ध्यान दीजिए, PQ के about, यानी कि आपको ये क्या दे दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा axis, जिस axis के about ये rotate करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये इस type से rotate करेगा, यानी कि circle ये बनाएगा, और इस type से PQ जो है एक chord की तरह है, तो इसमें आपको दे दिया हुआ PQ कॉर्ड, इट इज अ डिस्टेंस r/4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, लाइन AC इज परपेंडिकुलर टू PQ, इनिशियली द डिस्क इज हेल्ड वर्टिकल विथ A इट्स हाईएस्ट पोजीशन, इट इज अलाउड टू फॉल सो दैट इट्स
स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट पी क्यू, तो ये पी क्यू के अबाउट रोटेट करेगा। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यह जब ये इस पोजीशन पे है, ये हाईएस्ट पोजीशन पे है, जो कि आपको क्लियरली फिगर में दिख भी रहा है हाईएस्ट पोजीशन, तो ये जब लोएस्ट पोजीशन पे आएगा तो वही पूछ रहा है कि फाइंड द लिनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट इट रिचेस इट्स लोएस्ट पोजिशन। जब ये लोएस्ट पोजिशन पे पहुंचेगा तो आप उसका लिनियर स्पीड बताइए। सिंपल है, कहने का मतलब इतना, बस कहने का मतलब ये है कि एक डिस्क है जिसका मास m है और ये PQ के अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी कि ये जो है कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड, बिहेव्स लाइक ए एक्सिस। ये आपका कॉर्ड है, ये एक्सिस की तरह बिहेव करेगा, और ये जो अपर मोस्ट पार्ट है ये कहीं कहीं लोअर मोस्ट, क्योंकि ये हाईएस्ट है तो यही लोएस्ट भी बनेगा। यानी कि अब ध्यान से देखिए, ऐसा है और ये इस टाइप से रोटेट करेगा, यानी कि PQ के अबाउट रोटेट करेगा। तो जब इसका हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो बताइए कि उसका स्पीड क्या होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आइए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जेई, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक आपको डिस्क दिया है जिसका रेडियस आपको कैपिटल आर है, मास एम है, और एक स्मॉल, समझिए कि एक पार्टिकल है उसका भी मास एम है, और जो कि पोजिशन ए पे रखा गया है। और ध्यान से देखिए, ए सी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये आपको गिवन है कि एसी जो है पीक्यू के परपेंडिकुलर है। अब क्या कह रहा है कि इस पीक्यू को एज ए कॉर्ड समझ लीजिए, और इसके थ्रू, मतलब कि ये फिक्स रहेगा और इस टाइप से ये, यानी ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नीचे आएगा, यानी कि ये पीक्यू बिहेव्स लाइक ए कॉर्ड एंड इट्स बिहेव्स लाइक ए एक्सिस। अब इसके थ्रू क्या करेंगे, रोटेट करेगा। सो ए डिस्क कैन रोटेट फ्रीली, ए डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट ए फिक्स्ड हॉरिजेंटल कॉर्ड दैट इज PQ। तो PQ कॉर्ड के थ्रू ये रोटेट करेगा, जो कि यहां से R by 2 डिस्टेंस पे है। तो और इनिशियली द डिस्क इज हेल्ड वर्टिकल विथ A। इनिशियली ये एक दूसरे का जो पोजिशन है वो वर्टिकल है, जो कि आपको फिगर से क्लियरली दिख भी रहा है। और PQ जो है AC के परपेंडिकुलर है, जो कि यहां से आपको दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है, यानी कि ये बाइसेक्ट करेगा। और यहां पे आपको क्या कह रहा है, इनिशियली डिस्क इज हेल्ड एट वर्टिकल पोजीशन एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन दैट इज ए। अब ये इस टाइप से फिक्स कर लिए हैं तो ये तो यहीं रहेगा और ये नीचे जाके और रोटेट करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि जब ये लोएस्ट पोजीशन पे रहेगा, यानी अभी हाईएस्ट पोजीशन पे है, जब ये लोएस्ट पोजीशन पे रहेगा तब आप बताइए उसका लीनियर स्पीड क्या होगा। तो इसको अगर हम फिगर से देखने का कोशिश करें, इसका फिगर कुछ कैसा बनेगा, तो ये क्वेश्चन अब ध्यान से देखिए। अब मैकेनिक्स पार्ट का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको एक एक करके हम करवाएंगे, हालांकि ये क्वेश्चन रोटेशन का है, लेकिन इसमें मैकेनिक्स के दो तीन कंसेप्ट, जब भी हम आईआईटी जेई का प्रॉब्लम करवाते हैं तो जेई का प्रॉब्लम एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट पे नहीं होता, दो तीन कंसेप्ट को मिक्स किया जाता है, यानी कि दो तीन कंसेप्ट को सैंडविच करके एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसमें रोटेशन ही होगा, इसमें आपको लग जाएगा आपका मोमेंटम भी, थोड़ा सा मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम थोड़ा सा लगाएंगे, तो यानी वर्क पावर एनर्जी में जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं वो भी कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन, इन सिंगल क्वेश्चन में आपको दो तीन कंसेप्ट को मर्ज किया जाता है, तो इसीलिए हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं इस जेई का प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन से आपका बहुत सारा, दो तीन चार कंसेप्ट आपका एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये है तो रोटेशन का, लेकिन इसमें हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन भी यूज करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, लिनियर स्पीड चाहिए। अब ध्यान से देखिए इसका इसका फिगर कैसा बनेगा, तो ये तो फिक्स है, तो अब कुछ ऐसा बनेगा, ये नीचे आएगा, ये इस टाइप से नीचे आएगा और ये इस टाइप से रोटेट करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा जाएगा, ये इस टाइप से जाएगा, पीक्यू से जाएगा और ये एक सर्कल बनाएगा, इट्स मेक ए सर्कल। ये जो ऊपर वाला सर्कल है, ये थोड़ा छोटा सर्कल दिख रहा है, ये बड़ा सर्कल बनेगा, वही वाला सर्कल जो ऊपर है वो अब नीचे आएगा। ये इस टाइप से ये फिगर बनेगा,
और ये इस टाइप से रोटेट करेगा, यानी ये जो ऊपर वाला पॉइंट ए है ये अब पॉइंट यहां पे पहुंचेगा। सपोज दैट दिस इज सेंटर, ये आप ध्यान से देखिए यही वाला पॉइंट नीचे जाके शिफ्ट होगा, तो इतना जितना बड़ा ये है उतना ही ये नीचे जाके शिफ्ट होगा और कुछ ऐसा शिफ्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, एक ही प्रॉब्लम में आपको सारा कंसेप्ट सीखने को मिल जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंटम कंजर्वेशन, तीन चार कंसेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन क्रिएट किया गया है और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। तो इससे एक क्वेश्चन से, एक सिंगल क्वेश्चन से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जितना ऊपर है उतना नीचे। अब आपसे पूछ रहा है ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, यानी कि जो पीक्यू तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि यही आपका क्या है एक्सिस है, तो ये इसमें भी कॉर्ड है और इसमें भी कॉर्ड रहेगा, कुछ ऐसा बनेगा। और आपसे पूछा है कि लोएस्ट पोजिशन, यानी कि ये जो अपर मोस्ट पोजिशन है इस पॉइंट को, लेट्स दिस इज पॉइंट पी, तो पी इज एट इट्स लोएस्ट पोजिशन, लोएस्ट पोजिशन, तो ये लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा। तो वही पूछ रहा है कि इसका लीनियर स्पीड क्या होगा, हमें नहीं पता है। हम पहले क्या लगाएंगे, सिंपल सा बात है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जब हम इसमें यूज करेंगे, इस टाइप से है और ये नीचे जाएगा और ये अपना इस टाइप का पोजीशन, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, आप जो भी लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, इसमें हम सिंपली लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो ध्यान से देखिए, और एनर्जी कंजर्वेशन जब हम आपको वर्क पावर बताएंगे, वर्क पावर एनर्जी, तो उसका कंसेप्ट है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। एक को हम रेफरेंस लेवल लेते हैं और एक को हम मतलब रेफरेंस लेवल मतलब फिक्स कर लेते हैं एक पॉइंट को। अब ध्यान से देखिए, ये रोटेट करेगा, कुछ ऐसा रोटेट करेगा, तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम यूज करते हैं तो इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। अब क्या है, इनिशियली आपको क्या दिख रहा है कि ये तो रेस्ट पोजीशन पे है, अभी तो ये रोटेट नहीं कर रहा है, इनिशियली ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो इनिशियली क्या है, ये रेस्ट पोजीशन पे है। और फाइनली इसमें क्या हो जाएगा, ये पीक्यू के अबाउट रोटेट करना शुरू करेगा और जब रोटेट करेगा तो इसमें रोटेशनल एनर्जी आएगा। जब रोटेट करता है किसी फिक्स पॉइंट पे तो रोटेशन आएगा, यानी उसमें ओमेगा आएगा। वही तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए, तो इनिशियल इसके पास, अगर किसी को हम रेफरेंस लेवल ले ले, सो अगर हम इस पॉइंट को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, ये पी पॉइंट को हम क्या ले रहे हैं, रेफरेंस लेवल, यानी कि जिसको आप कहते हैं कई बार ओरिजिन ले लेते हैं, यानी कि किसी को तो एक फिक्स पॉइंट हम ले जहां से हम डिस्टेंस को क्या कर लें, मेजर कर पाए, तो ये इसको हम क्या ले लेते हैं, एज ए रेफरेंस लेवल, यानी कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि ये नीचे आएगा इस टाइप से रोटेट करेगा तो ये पी पॉइंट पे आएगा, इसको हम क्या ले लेते हैं, रेफरेंस लेवल। कई बार हम ओरिजिन लेते हैं, यहां पे हम क्या ले लिए हैं, रेफरेंस लेवल, जो कि इसके पी पॉइंट पे है, तो यानी कि डिस्टेंस हमको कहां से मेजर करना है, यहां से। तो इनिशियल इसके पास कौन सा एनर्जी हो सकता है, रुका हुआ है तो इसमें कोई एनर्जी तो आएगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपल सा बात है ग्रेविटेशनल एनर्जी ही आएगा ग्रेविटी के थ्रू। सो पहले इसके पास कौन सा एनर्जी रहेगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी, और फाइनली ग्रेविटेशनल भी रहेगा और रोटेशनल भी रहेगा, यानी कि ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एनर्जी भी इसके पास रहेगा। वही ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है, कभी वही जो मतलब समझ सकते हैं उसको पोटेंशियल एनर्जी भी आप बोल सकते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी ही रोटेशनल यानी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
तो अगर आप कह सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो सिंपल सा बात है, पहले ग्रेविटेशनल एनर्जी और रेफरेंस लेवल, यानी कि हमको कहां से डिस्टेंस लेना है। रेफरेंस लेवल कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस कहां से लेना है। हर बार हम ओरिजिन देखते हैं, तो ओरिजिन जब हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स करवा रहे हैं, तो एक फिक्स पॉइंट यानी उसका ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन हम ले रहे थे, यानी एक पॉइंट को हमको रेफरेंस लेवल लेना होता है, क्योंकि कहीं से तो हमको डिस्टेंस लेना ही है, तो एक जगह से डिस्टेंस लेना है, उसी को रेफरेंस लेवल कहते हैं। जब रे और वेव ऑप्टिक्स कर रहे थे, तो उसमें हम क्या लेते थे, ऑप्टिकल सेंटर को ले लेते थे ओरिजिन, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अप पॉजिटिव लो नेगेटिव, तो ये हम लेते हैं। तो यहां पे हम क्या ले लिए, रेफरेंस लेवल। तो यही जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी रहेगा इसमें, और लास्ट में ये रोटेट कर रहा है अबाउट पी क्यू, यानी कि इट्स रोटेटिंग अबाउट द पी क्यू, सो इट्स हैव ऑल्सो एनर्जी, दैट इज रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। तो हम क्या किए, इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी के बराबर कर दिए यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। अब ध्यान से देखिए, पहले इसके पास अगर रेफरेंस लेवल ये है, तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटर, तो सेंटर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली आर। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी तो सिंपल होता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहिए, सो MgH, ये आपका हो जाता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से देखिए, यहां से अगर हमको डिस्टेंस चाहिए, तो इसके सेंटर ऑफ मास यानी ये आपका क्या है, डिस्क है, और ये आपका क्या है, समझिए इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, इट्स बिहेव्स लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जब भी इसका हम MOI की बात, मोमेंट ऑफ इनर्सिया करेंगे, तो इसको डिस्क लिए हैं, इट इज डिस्क, सो MOI मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिस्क के केस में MR² / 2 होता है, और ये अगर इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा MR². अब R यहां से डिस्टेंस ले लेते हैं, तो यहां से डिस्टेंस क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, यहां से डिस्टेंस बहुत कमाल का है, ये आपका R, यहां तक आपका क्या हो जाएगा, ये R और ये R, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R इसका रेडियस है, तो 2R डिस्टेंस हो जाएगा, और इससे ऑब्जेक्ट यानी कि इसका ग्रेविटेशनल एनर्जी, रेफरेंस लेवल तो हम इसको ले लिए हैं, तो यहां से डिस्टेंस, ये आपका R है और ये R, 2R, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये अगर R/4 है, तो 2R यानी कि ये 2R है और ये 2R, यानी दैट इज 4R होना चाहिए इसके यहां से डिस्टेंस। तो सिंपल सा बात है कि यहां से यहां डिस्टेंस सिंपली ये इसका डायमीटर 2R, इसका डायमीटर 2R, लेकिन ये वाला पोजीशन को तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि R/4, सो 4R - R/4। सिंपल सा एनर्जी हम कंजर्वेशन लगाएं। अब ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस और इसके आपका क्या हो जाएगा, या तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपका हो जाएगा AP का डिस्टेंस, तो ये R, ये भी आपका कैपिटल R, और ये डिस्टेंस आपको R/4 दिया हुआ है, और ये भी डिस्टेंस आपका R/4 ही है, ये भी डिस्टेंस आपका R/4 है। तो ध्यान से देखिए, ये R, ये R/4, ये भी R/4, ये R, तो अगर यहां से डिस्टेंस लें, और अगर हम रेफरेंस लेवल इस लोएस्ट पोजीशन को ले रहे हैं, सो दिस इज द लोएस्ट पोजीशन, और इसका रेफरेंस लेवल यहां से अगर हम लें, तो ये अगर R है, ये भी आपका, ये आपका R है, ये R/4, ये भी R/4, और ये भी R, तो ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपका यहां से आ जाएगा
तो यहां से अगर हम इसका पोटेंशियल यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो सिंपल सा बात है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको लग रहा है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है, इसमें ज्यादा बड़ा चैलेंज है नहीं। बस जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा वही रोटेशनल एनर्जी में एज ए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। तो ये आपका कैपिटल आर, ये भी आपका कैपिटल आर, ये आर बाय फोर, ये भी आर बाय फोर, यानी कि ए पी का जो डिस्टेंस था आर बाय फोर, ये आपका आर बाय फोर, यानी कि यहां से ये पीक्यू से जो डिस्टेंस है सेंटर का, तो पीक्यू से जो डिस्टेंस है वो आर बाय फोर होगा, तो नीचे वाला पीक्यू से भी डिस्टेंस क्या होगा, आर बाय फोर होगा। सिमिलरली तो ये अगर आर बाय फोर है तो ये भी आर बाय फोर होगा। फिगर से हो सकता है आपको लग रहा हो कि इतना छोटा आर बाय फोर है, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बाय सिमेट्री से आपको दिखना चाहिए कि ये आर बाय फोर है तो ये भी आर बाय फोर, यानी कि ये पी क्यू जो कि आपका कॉर्ड है वो बिहेव कर रहा है एक एक्सिस का, तो ये आर बाय फोर है तो ये भी आर बाय फोर, और ये आर, ये तो आर प्लस आर बाय फोर। तो क्या हो गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एम जी, क्योंकि मास तो दोनों का सेम ही है, डिस्क है और एक आपका स्मॉल है, तो एम जी और ये डिस्टेंस, तो किस पॉइंट को, इसको एज अ रेफरेंस लेवल ले लिए हैं, तो यहां से डिस्टेंस आपका क्या है, ये आर प्लस कैपिटल आर, और यहां से जो डिस्टेंस है यानी कि ये पी क्यू जो कॉर्ड है उससे डिस्टेंस आपका है आर बाय फोर प्लस आर बाय फोर, तो ये आपका हो गया किसके वजह से, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ये पार्टिकल, ड्यू टू पार्टिकल विच हैज मास एम, तो इसके वजह से ये आ गया। प्लस अब इस डिस्क के वजह से क्या होगा, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहां से अगर हमको डिस्टेंस चाहिए तो ये आपको पता है कि ये आपका आर बाय फोर है, तो सिमिलरली ये भी आपका आर बाय फोर होगा, क्योंकि यहां से सेंटर से डिस्टेंस भी, ये भी आपका आर बाय फोर, ये आर बाय फोर, ये बाय आर बाय फोर, सो तो टू आर बाय फोर यहां से हो जाएगा, और यहां से डिस्टेंस आपका हो जाएगा एम जी, क्योंकि मास तो दोनों का सेम ही है, तो एम जी, और यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, यानी कि इसका जो मास है, हम क्या कह रहे हैं कि ये इसका मास तो इसी अबाउट, यानी कि यहां पे ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये आपका है सेंटर ऑफ मास, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास, तो डिस्टेंस जब भी लेंगे तो उसके सेंटर से ही डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो सिंपल सा बात है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इस मास का, तो आप क्योंकि ये आप इसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो सिंपली एम जी आर, और आर क्या है, ये कैपिटल आर, ये भी आपका कैपिटल आर, ये आर बाय फोर, ये आर बाय फोर। अब यहां से देखिए एम जी, मास तो सेम ही है, और डिस्टेंस क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, तो ये आपका आर बाय फोर, ये आपका आर बाय फोर, और ये आपका क्या है, ये आपका कैपिटल आर, सो दिस इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर बाय फोर, दिस इज कैपिटल आर बाय फोर, सो कैपिटल आर प्लस आर बाय फोर प्लस आर बाय फोर, सो दिस इज आर बाय फोर, दिस इज, ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी और दिस इज योर रेफरेंस लेवल, जिसको आप कभी कभी ओरिजिन भी ले लेते हैं, तो ये आपका आया इनिशियल, यानी कि ये आपका आया इनिशियल एनर्जी। अब हम चलते हैं फाइनल, फाइनल क्या होगा, ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो इसके पास एक रोटेशनल एनर्जी आएगा, तो रोटेशनल एनर्जी के वजह से क्या ग्रेविटेशनल एनर्जी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये अब इस पोजिशन पे आ जाएगा, यानी ये जो बॉल है अब कुछ इस पोजिशन पे आके रुक जाएगा। वही पूछा है कि जब ये ए पॉइंट पी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो आप उसका
वेलोसिटी बताइए, एंगुलर वेलोसिटी बताइए। ठीक है, एंगुलर और लीनियर के बीच में हमको रिलेशन पता है, v बराबर ओमेगा इंटू आर। तो अगर एंगुलर पता है तो लीनियर भी निकाल लेंगे, लीनियर पता है एंगुलर भी निकाल लेंगे, तो यहां हम निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, जब ये इधर चल जाएगा तो सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा। पहले सेंटर ऑफ मास कहां था, इसको इसको पोजीशन वन ले लेते हैं और ये आपका हो जाएगा पोजीशन टू। तो फाइनली ये जो स्मॉल मास है ये तो यहां आ जाएगा, और अगर यहां आ जाएगा तो रेफरेंस लेवल पे आ जाता है। तो रेफरेंस लेवल से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है ये रोटेट करके विथ दिस इज योर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड विच बिहेव्स लाइक ए एक्सिस इन दिस प्रॉब्लम। तो ये यहां पे जब पी पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या, जब रेफरेंस लेवल पे पहुंच गया यानी ओरिजिन, तो उसके लिए एमजी जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या इसके लिए भी जीरो हो जाएगा, ये जो डिस्क है, बिल्कुल नहीं, डिस्क तो इतना हाइट पे रहेगा ही रहेगा। सो दिस इज कैपिटल आर। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, अब सेंटर ऑफ मास इसका COM, सेंटर ऑफ मास पॉइंट वन से पॉइंट टू शिफ्ट हो गया, यानी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी घट गया। तो घट कितना से गया, पहले डिस्टेंस जो इतना बड़ा था, अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपली आर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे था, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ये इतना डिस्टेंस आ गया। और ये जो मास है ये जिसका डिस्टेंस कैपिटल आर आर बाई फोर प्लस आर बाई फोर ये था, अब ये क्या हो जाएगा, ये इसी पॉइंट पे आके क्या कर जाएगा, कॉलेप्स कर जाएगा, या यहां पे आके ही आ जाएगा। तो जब रेफरेंस लेवल पे ही आ गया तो रेफरेंस लेवल से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम इट्स रेफरेंस लेवल, और ये क्या होगा, ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो कि इतना बड़ा था, ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, कब, फाइनल पोजिशन। तो इनिशियल पोजीशन पे तो ये था, अब फाइनल पोजीशन पे, सिंपल लॉजिक। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हम फिर लगाएंगे, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। अब हम देखेंगे कि ये जो कि अब सिंपली सेंटर ऑफ मास वन पोजीशन पे था, अब टू पे चला गया, तो टू पे जब चला जाएगा तो सिंपल सा डिस्टेंस क्या बचेगा, सिर्फ कैपिटल आर ही बचेगा। सो मास तो वही रहेगा, मास ऐसा तो है नहीं कि चेंज कर जाएगा, तो मास वही रहेगा, डिस्टेंस कैपिटल आर। अब क्या होगा, क्योंकि ये एमजी है, मास वही रहेगा, अब ये क्योंकि पी पॉइंट पे आके कोलैप्स कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी पहले था वो पोटेंशियल एनर्जी घट गया। पहले कितना था, इतना बड़ा था, अब वो जीरो हो गया, वो डिस्टेंस जीरो हो गया। पहले डिस्टेंस इतना था, अब ये क्या हो गया, घट गया आर बाई टू से। अब क्या हो गया, यही जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द प्रॉब्लम, आई ओमेगा स्क्वायर। और आई क्या है, आई आपका है एम ओ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको पता है कि डिस्क के केस में हम बताए हैं एम आर स्क्वायर बाई टू, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में क्या हम बताए हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में सिंपली आप एम आर स्क्वायर ट्रीट कर सकते हैं। तो अब ये जो आई का वैल्यू होगा जो कि आपको निकालना है, तो आई सिंपली निकालेंगे, आई क्या है यहां पे, एम ओ आई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज पी क्यू, क्योंकि रोटेट जिस एक्सिस के अबाउट कर रहा है, तो ये आपका क्या है, दिस इज योर एक्सिस। तो जब भी हम देखेंगे डिस्टेंस, भले हम रेफरेंस लेवल से ले रहे हैं, लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसी एक्सिस के अबाउट कंसीडर किया जाता है। सो इट इज रोटेटिंग थ्रू दिस पी क्यू, सो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अब हम निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, फिर आपको निकालना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे। तो अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाल लेते हैं तो एक ही आपका अननोन है, वो है ओमेगा,
और ओमेगा का वैल्यू इजिली वे में आ जाएगा। और आपको अगर लीनियर पता हो तो एंगुलर निकाल सकते हैं, एंगुलर पता हो तो लीनियर निकाल सकते हैं। अब आपका गेम क्या हो गया, अब मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमको निकालना है। बस अब यहां से मोमेंट ऑफ इनर्सिया पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा आपका ओमेगा का वैल्यू। सो दिस इज अ, देखिए इसमें आई का वैल्यू हम निकालेंगे और इसमें होता है आपका क्या रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल एनर्जी आपका हो जाता है हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आई का वैल्यू निकालेंगे और वो भी किस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, दैट इज पी क्यू। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया पे बात करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेंटर ऑफ मास के थ्रू हमको पता है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, तो हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अब ध्यान से देखिए ये आपका पोटेंशियल एनर्जी था, ये रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक ही अननोन यहां से बचेगा वो है आपका ओमेगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इजी करें इस इक्वेशन को तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एम ही दोनों का ले लेते हैं। सो दोनों का तो सेम ही है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ये आपका हो जाएगा आर बाय टू। ये आपका किसका था, ये आपका इसका था, इससे डिस्टेंस ये आया था और ये स्मॉल एम का क्या आया एम जी, और ये आपका था ये डिस्टेंस आर बाय टू। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर प्लस आर बाय टू। सो ये इनिशियल था और फाइनल क्या होगा, फाइनल ये इसी पोजीशन पे आके कोलैप्स जब कर जाएगा तो रेफरेंस लेवल पे ही आ गया, तो रेफरेंस लेवल से डिस्टेंस क्या हो जाएगा जीरो। सो दिस इज जीरो, ये इसके वजह से जीरो, और इसका सेंटर ऑफ मास पहले वन पे था, अब ये शिफ्ट कर गया पॉइंट टू पे। सो वन से टू पे शिफ्ट किया, तो पहले सेंटर ऑफ मास आपका ये था, तो ये आपका आ जाएगा अब यहां से डिस्टेंस, अब सेंटर ऑफ मास टू पे आ गया और यहां से डिस्टेंस क्या है सिंपली कैपिटल एम, एम जी के सबका कैपिटल एम ही हम ले रहे हैं, ये आर, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से जीरो हो जाएगा क्योंकि ये रेफरेंस लेवल पे ही आके क्या क्या है कोलैप्स कर गया। तो और इसके वजह से आपका हो जाएगा प्लस रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बस अब यहां से आपका आ जाएगा और बस आई का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अगर इसका इजी करें तो आपका क्या हो जाएगा, एम जी कॉमन ले लेते हैं और ये आपका आ जाएगा टू आर एम जी, अगर हम यहां से कॉमन ले लेते हैं लास्ट में एम कैंसिल हो जाएगा आर बाई टू, और ये आपका आर, ये आर बाई टू कैपिटल आर, और ये आपका आ गया। सो एम जी प्लस आर प्लस हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ये आपका ये क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व किए तो यहां से ये आ गया। अब ध्यान से देखिए आई का वैल्यू क्या होगा, आई दैट इज एम ओ आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट पॉइंट अबाउट एक्सिस पी क्यू। अब पी क्यू के अबाउट हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालें, एग्जैक्टली वही काम करेंगे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में किए थे मोमेंट ऑफ इनर्सिया, वो भी क्वेश्चन। तो जब भी आप रोटेशन पढ़ रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको पता होना चाहिए, डिस्क के केस में होता है। सो एमओआई डिस्क के केस में हम बताए हैं एमओआई एम आर स्क्वायर बाई टू, लेकिन ये किसके अबाउट होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, परपेंडिकुलर टू इट्स पासिंग थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये क्या होता है, सेंटर से पास करता है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और ये तो आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसका तो एम आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो अगर हमको यहां से निकालें, और ये आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, तो यहां से अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट पी क्यू, तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हमको पता है,
तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको पता है, तो ये आपका r बाई फोर दिया हुआ है, तो यूज करेंगे फिर अगेन यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ, और आपको पता है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो भी उसके सेंटर से पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, और आपको चाहिए किसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट आपको पता है, और आपको चाहिए इस लाइन के अबाउट। तो इसके अबाउट अगर हमको निकालना है, और ध्यान से देखिए, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर और दूसरा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, लेकिन हमको निकालना किसके अबाउट है, इसके अबाउट। सो दिस इज योर प्रॉब्लम। तो इसके अबाउट हम निकालें, तो डायमीटर के अलोंग क्या होता है, तो डायमीटर के अलोंग होता है हाफ, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, तो आई एक्स प्लस आई वाई दैट इज इक्वल टू आई जेड। मतलब इससे क्या समझ में आया कि एक प्लेन समझिए एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और अगर आपको जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है, यानी उन दोनों प्लेन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपका जेड एक्सिस है, तो उसके अबाउट अगर क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए, और उसका लास्ट में वो हो जाएगा वो जेड एक्सिस। सो आई एक्स और आई वाई, यानी कि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा हो और आपको किसके प्लेन यानी प्लेन चेंज करना हो, तो क्या करेंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई रोटेट कर रहा हो और उसको हमारा निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, तो दोनों का सम के बराबर होता है। दिस इज अ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसमें दोनों यूज किया गया है, पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी। अब ध्यान से देखिए, आपको इसके अबाउट पता है और वो भी दिस, इसके अबाउट आपको नहीं पता, और आपसे पीक्यू के अबाउट निकालना, और पीक्यू कोई पॉइंट नहीं है, तो सिंपल सा बात है, जब पॉइंट होता है तब हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब बीच का गैप हो जाता है तो एम आर स्क्वायर एड कर देते हैं, लेकिन तो हम आपको बताए हैं कि ये एम आर स्क्वायर बाई टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है जब सेंटर से पास करता है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो एग्जैक्टली यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं, यानी कि आई एक्स प्लस आई वाई दैट इज इक्वल टू आई जेड। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन में अब नहीं है, ये जो है अब इस प्लेन में नहीं है, तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू। तो इसके इस प्लेन यानी प्लेन चेंज करता है, तो जब भी प्लेन चेंज करे यूजुअली आप समझ लीजिएगा उसका हाफ हो जाता है, यूजुअली आप समझ लीजिएगा उसका हाफ, क्योंकि आई जेड क्या है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि आई जेड आपको पता है, तो ध्यान से देखिए आई एक्स आपको निकालना है, क्योंकि ये जो है एम आर स्क्वायर बाई टू जो है एम आर स्क्वायर बाई टू पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि सेंटर से पास करेगा और इस प्लेन पे है, और हमको इसी प्लेन में चाहिए, यानी कि प्लेन चेंज करना है, और प्लेन चेंज करना है देन डेफिनेटली वी यूज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी कि अलग प्लेन है, तो यानी अगर ये आप ध्यान दे देखिए, जेड एक्सिस के अबाउट पता है, यानी कि ये आपको पता है और ये आपको पता है परपेंडिकुलर दैट इज जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के थ्रू आपको पता है, यानी कि आई जेड आपको पता है क्या, एम आर स्क्वायर बाई टू, और आपको निकालना क्या है इस प्लेन में, अगर ये एक्स बाई प्लेन है, दिस इज एक्स, सपोज दैट ये बोर्ड है और ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, तो आपको क्या पता है, आपको जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन पता है, आपको इस प्लेन में निकालना है, तो इस प्लेन में जब निकालना है यानी कि आपको आई जेड पता है, आई एक्स आपको निकालना है, तो आई एक्स निकालने के लिए आई एक्स भी वही होगा जो आई वाई होगा, क्यों, सिमिलरली कंसेप्ट इसमें यूज करते हैं, जो एक्स एक्सिस में होगा वही वाई एक्सिस में, बाई सिमेट्री जो भी समझिए, बाई सिमेट्री, तो आई एक्स भी वही होगा जो आई वाई होगा,
क्योंकि दोनों सेम ही है, प्लेन बस चेंज कर रहा है, बाकी सारा चीज सेम ही है। तो ये तो 2ix दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2, हेंस ix इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 4। तो आपको जो दिया था वो सेंटर के अबाउट दिया हुआ था, अब आपको उस प्लेन में चाहिए, देन डेफिनेटली यूज दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेटिंग ix दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 4। तो अब आपका क्या आ गया, अब आप यूज कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि अब आ गया आपका उस प्लेन में। सो mr स्क्वायर बाय 2 उस प्लेन के परपेंडिकुलर था, हमको उसी प्लेन में लाना था, तो ये आपका आ गया mr स्क्वायर, यानी कि उसका हाफ, यूजुअली हाफ हो जाता है क्योंकि बाय सिमेट्री से हम यूज करते हैं। तो कैसे आया, बाय मतलब ये आपका परपेंडिकुलर, मतलब एक प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम, इसमें आपको पैरेलल, परपेंडिकुलर, एनर्जी कंजर्वेशन, रेफरेंस लेवल सारा चीज आ गया, इसीलिए ये जेई का प्रॉब्लम सबसे मस्त होता है। तो ध्यान से देखिए, यहां से आपका आईएक्स आ गया और आपको फिर भी अभी दिक्कत है, ये आपका आ गया क्या, इसी कहते हैं डायमीटर के अलोंग, यानी कि एमओ आई अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर, ये आया। तो अब हम ले आए उसी प्लेन में, अब हम क्या यूज करेंगे, अब हमको निकालना क्या है इसमें, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, इस पोजीशन को अगर हम ले लें, लेट्स दिस पॉइंट इज सी, और इस पॉइंट को, और कह दिया है आपको प्रॉब्लम में कि एसी जो है पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ये गिवन है इस क्वेश्चन में, आपको गिवन है कि एसी इज परपेंडिकुलर टू, इसीलिए दिया गया था, क्योंकि यहां से तभी तो हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगा ही नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, मेंशन है कि ये जो है एपी, आप इस एसी, इस पॉइंट को सी ले लीजिए, और इस पॉइंट को अगर हम सी डैश ले रहे हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज सी डैश, सो इट इज अ परपेंडिकुलर टू एसी, इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू, दैट्स व्हाई वी यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब आपको पता है कि इसके अबाउट आपको पता है और इसके अबाउट आपको निकालना है, तो दोनों के बीच का आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जो कि आर बाय फोर दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अभी भी आपका MOI नहीं आया है, यानी कि आपको निकालना है MOI इसके अलोंग अभी आया है, और आपको निकालना किसके अलोंग है, PQ के अलोंग निकालना है। तो अब हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो I आपको C के अलोंग पता है, दैट इज MR स्क्वायर बाय 4, लेकिन हमको निकालना क्या है, I PQ के अलोंग। तो PQ के अलोंग अगर हमको यूज करना है, तो हम यहां से फिर यूज कर लेंगे क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तभी तो पैरेलल है, बीच का परपेंडिकुलर गैप अगर आपको पता है, सो आई पी क्यू के अबाउट अगर निकालना है, ये तो आपको सी के अलोंग आया, सो पी क्यू के अलोंग निकालना है, तो आई सी प्लस एम उसका मास, तो ये पूरा डिस्क का मास कितना है, एम है, और इसका क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो एम एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है, एक्स है आपका बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका है एक्स, क्योंकि आपको निकालना इसके अलोंग है और आपको पता इसके अलोंग है, आप अब आ गया ये डायमीटर के अलोंग आपको पता हो गया, यानी कि ये आपका आया आई एक्स, जो कि इस डायमीटर के अलोंग आया, तो डायमीटर के अलोंग पता है, यहां से परपेंडिकुलर गैप आपको पता है, सो यूजिंग एम एक्स स्क्वायर, सो यहां से पी क्यू के अलोंग निकल जाएगा डिस्क के थ्रू। अब क्या करें, चलिए डिस्क का तो आ गया, अब इस पॉइंट का क्या करेंगे, तो पॉइंट का सिंपल सा बात है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसके अलोंग पी क्यू के अलोंग, बीच का गैप आपको पता है, ये आर, ये आपका आर बाई फोर, तो आर प्लस आर बाई फोर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, सो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर हम यहां से निकाल लें, तो ये आपका आ गया आई सी के अलोंग आपको निकल गया क्या,
डायमीटर के लॉन्ग एम आर स्क्वायर बाई फोर, और आपको निकालना है आई पी क्यू के लॉन्ग। सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है आपका दैट इज आर बाई फोर, ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया, तो एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता है एम आर स्क्वायर, अब इसके बीच का गैप फिर हम क्या यूज करेंगे इसका सेंटर, तो ये आपका क्या है, तो इसमें भी आप, तो इसमें हम क्या सिंपली यूज कर लेंगे, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तब तो हमको सोचना ही नहीं है, तो इसका क्या हो जाता है एम आर स्क्वायर, और बीच का गैप तो ये आर, ये आर बाई फोर, तो आर प्लस आर बाई फोर, तो ये आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता हो गया तो आपका क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इस सेंटर के लॉन्ग था पी क्यू के लॉन्ग निकाले, बीच का गैप, सो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डिस्क, तो क्या हो गया हमको पता, हम निकालना है पी क्यू के लॉन्ग, सो आई सी के लॉन्ग हमको पता है एम एक्स स्क्वायर, और एक्स आपको क्या है बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज आर बाई फोर, तो ये हम डिस्क के थ्रू निकाल रहे हैं, सो आई दैट इज एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम, सबको हम कैपिटल एम ले लिए हैं, और ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बाई सिक्सटीन। तो अब तो बस सिंपल इसका यूज कर लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं एम ओ आई ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो हमको सोचना नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो ये आपका आ जाएगा आई, और उसको भी हम पी क्यू के लॉन्ग लेंगे, तो उसका क्या होता है एम आर स्क्वायर होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, जो कि इसके बीच में, अब बीच का गैप फिर हम यूज करेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि हमको इस पॉइंट के अबाउट पता है, हमको निकालना क्या है, हमको पी क्यू के लॉन्ग निकालना है, तो बीच का गैप दैट इज एम एक्स स्क्वायर, और यहां पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आर प्लस आर बाई फोर, ये आपका आ जाएगा, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम, ये फाइव आर हो जाएगा, तो ट्वेंटी फाइव आर स्क्वायर बाई सिक्सटीन, फाइव आर बाई फोर, तो ये आपका आ जाएगा, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो एम आर स्क्वायर कॉमन, वन प्लस ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन, ये आपका आ गया आई पी क्यू इस ओवर, तो दोनों का आई हम क्या ऐड कर लेंगे, तो दोनों का आई ऐड करके इस इक्वेशन में अब हम पुट कर देंगे, तो सिंपल जवाब थे कि ये आपका इक्वेशन बहुत सिंपल आया था, एम जी प्लस थ्री आर प्लस, हाँ ये अब आपका फोर आर आ गया, ये आपका आया था एम जी आर प्लस हाफ इंटू आई, तो आई विच इज अलोंग पी क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा एक ही अनु आपका आ जाएगा, वो है आपका ओमेगा, यहां से आपका आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू, सो ओमेगा का वैल्यू यहां से अगर हम देखें तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो डिस्क प्लस रिंग, सो डिस्क प्लस पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो दोनों का ऐड कर लेंगे, तो दोनों का अगर ऐड कर लेते हैं तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई आई अलोंग पी क्यू टोटल, तो इसका क्या है, इसका अगर हम ऐड करते हैं तो एम आर स्क्वायर सब में कॉमन है, ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा वन बाय फोर प्लस वन बाय सिक्सटीन, और यहां पे भी आपका क्या है प्लस वन प्लस ट्वेंटी फाइव बाय सिक्सटीन, तो सारा को अगर ऐड कर लेते हैं तो एम आर स्क्वायर आपका आ जाएगा सिक्सटीन, फोर प्लस वन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव, तो ये आपका आ जाएगा 15 बाय 8 एम आर स्क्वायर, तो इसमें हम वैल्यू बस पुट कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा एम जी इंटू फोर आर एम जी इंटू आर प्लस हाफ, ये 15 बाय 8
ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ध्यान से देखिए 15/8 एम आर स्क्वायर, तो एम सब में है तो कैंसिल, एम सब में है, आर भी सब में है तो एम आर स्क्वायर। सो यहां से आपका आ जाएगा एक ही अननोन है जो कि ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर, तो यहां से आपका आ जाएगा 4 में तो ये आपका 3 हो जाएगा, 3R into G, और यहां पे 15/16 ओमेगा स्क्वायर, एम तो कैंसिल हो गया, यहां पे आर स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और यहां से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक जी बचेगा यहां से, इधर सिर्फ जी और 5/16 इंटू ओमेगा स्क्वायर और इधर आर बचेगा, तो यहां से आपका तो ओमेगा का वैल्यू आपका आ गया 16, बस वहां से निकाल लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा रूट ओवर 16g/5r। और आपसे कह रहा है कि ये जब पॉइंट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जब P पे पहुंचेगा तब उसका आप बताइए वेलोसिटी क्या होगा, तो जैसा कि हम बताएंगे उसका लिनियर वेलोसिटी, तो V दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये आपका हो गया लिनियर वेलोसिटी, यानी जब A P पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो V दैट इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू आपको पता है 16/5g/r। अब जब ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो v बराबर ओमेगा इंटू आर होगा, तो यहां से डिस्टेंस क्या होगा, तो ये डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है r, तो सिंपल सा बात है, ये हम क्या यूज करते हैं जब ये रोटेट करे, और रोटेट करे प्योर रोलिंग मोशन, तो प्योर रोलिंग मोशन में क्या होता है v बराबर ओमेगा इंटू आर, तो हमको पता है कि p पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो ये PQ से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो ये आपका R/4 है और ये आपका कैपिटल R है, कैपिटल R प्लस R/4, तो कैपिटल R प्लस R/4 डिस्टेंस पे होगा, तो PQ से कितना डिस्टेंस पे होगा, ये रोटेट कर रहा है PQ के थ्रू और PQ से डिस्टेंस क्या होगा, ये R/4 ये R, तो इतना इसके पास वेलोसिटी होगा जब ये पॉइंट P पे पहुंचेगा, तब PQ से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो PQ से आपका डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R प्लस R/4, तो 16/5 कैपिटल G/r और ये आपका आ जाएगा 5R/4। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इजी करते हैं तो ये आपका वेलोसिटी आ जाता है, वेलोसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो यहां से आपका आ जाएगा रूट के अंदर इसको अगर हम घुसाते हैं तो 16/5g/r, और रूट के अंदर घुसेगा तो ये आपका 25/16r² होगा। अब ध्यान से देखिए 16 से 16 कैंसिल, तो यहां से 16 से 16 और ये आपका 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल, तो यहां पे सिर्फ बचेगा 5g r, तो वेलोसिटी एट द पॉइंट पी, जब ये पी पॉइंट पे पहुंचेगा जो कि पी क्यू से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई टू पे, कैपिटल आर प्लस इतना डिस्टेंस पे होगा, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो ये आपका आ जाएगा, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर √5g r, यानी ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसके पास Your answer is √5g r. So this is beautiful question. और इसमें सारे concept आपको pure rolling motion का भी concept हो गया, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem, energy conservation, मतलब सारे type एक problem में सारा concept आपका clear होगा. So like, share and subscribe.